विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन रहा। पहले दिन का आगाज विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि के साथ किया गया। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तमाम नेता सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष की माने तो राज्य सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इस मानसून सत्र के लिए कुल 614 प्रश्न पूछे जाने हैं। ऐसे में सत्र की अवधि कम होने के चलते आखिर किस तरह के तमाम सवालों के जवाब आएंगे। मुख्य विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि सत्र महज 2 दिन का है। वहीं विपक्ष के नेता सदन में आपदा अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और समय व्यवधि कम होने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं। संविधान जो संसदीय मूल्य हैं लगातार उसकी अनदेखी करती आ रही है और अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, आपदा से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। तराई में चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधमसिंह नगर हो, चाहे भाबर हो, चाहे पहाड़ हो, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मुआवजा नहीं मिला है।